जनपद पौड़ी के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दीर्घ एवं अल्पकालिक योजनाओं में कार्य किया जा रहा है। अल्पकालिक योजना के अंतर्गत एकीकृत एवं समूह आधारित कार्य किए जा रहे हैं ताकि किसानों को जल्द ही रोजगार मिले और पलायन पर रोक लगाई जा सके। जिलाधिकारी पौड़ी ने बताया कि अल्पकालिक योजना के अंतर्गत समूहों को पहली बार 90% सब्सिडी पर पॉली हाउस उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि एक वर्ष के भीतर ही उनकी आय में 70 से 80 हज़ार रुपये का इजाफा हो सके और समूह आधारित होने के कारण उत्पादों के फॉरवर्ड लिंकेज में भी परेशानी न हो सके। समूहों को पॉली हाउस के अतिरिक्त मत्स्य टैंक, कृत्रिम पशु वीर्य, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म, सामुदायिक सहभागिता पर आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए होमस्टे इत्यादि बनाकर दिया जा रहा है ताकि समूहों को वर्ष भर रोजगार मिल सके। 1000 पॉली हाउसेस हमारे जनपद के समस्त किसानों को जो इच्छुक होगा उनको देने जा रहे हैं और जो 1000 पॉली हाउसेस हम लोग देंगे वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हमारा रहेगा। ये नहीं कि हम इंडिविजुअली किसी को देंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको गाँव के गाँव या पूरा ब्लॉक हम उसको सैचुरेट करें और फर्स्ट फेज में जब तक कि ये कोरोना का क्राइसिस खत्म नहीं होता। वहीं प्रदेश में पौड़ी जनपद पहला जनपद है जो जनपद के 1000 समूहों को 90% अनुदान पर पॉली हाउस प्रदान कर रहा है जिसका कार्य अब शुरू हो चुका है। ये पॉली हाउस आगामी 3 माह में समूहों की आय में वृद्धि करना भी सुनिश्चित करेंगे। वहीं दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत विगत 1 वर्ष से जनपद में सेब और कीवी के पौधे रोपण पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पौड़ी जनपद प्रदेश का पहला जनपद है जो अपनी पहली सेब की नर्सरी को अस्तित्व में लाने को सफल हुआ है।